हेलो मिस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, जो हमारा कल के दिन हमारा एक वीडियो आया था यहाँ पर HSCL और फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, जहाँ पर हमने आपको इस स्टॉक को बाय करने की सलाह दी थी और यहाँ पर आप लोगों से बोला था कि आपको इस स्टॉक में नज़र रखनी है। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री में जो भी टारगेट दिए गए थे वो अचीव होते नज़र आए हैं। इसके अलावा HSCL में जो भी मैंने कहा था एज इट इज़ वही चलना है। तो जो भी कल का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। HSCL के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देखकर वहां से ले सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में जो टारगेट दिए थे टारगेट आ चुके हैं। जिन लोगों ने स्टॉक को होल्ड करा है तो यहां पर फर्दर 2-3 रुपए के मोमेंट के लिए चाहो तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट से, जो भी आपका प्रॉफिट है उससे अवॉइड करना है, लॉस बिल्कुल नहीं करना है। तो ऑलरेडी प्रॉफिट इसके अंदर आ चुका है, फिर भी जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है 2-3 रुपए के प्रॉफिट के लिए स्टॉक को भी होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहां पर आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स की। यहां पर देखिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के Q4 के नंबर्स आए थे, जिसमें इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 141 करोड़ का दिखाया गया है, जो कि एक साल पहले 132 करोड़ का था। तो रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, तो इस स्टॉक को भी आप लोग वॉचलिस्ट में ऐड कर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है अडानी इंटरप्राइजेस, इनके भी Q3 के नंबर्स आए, Q4 के नंबर्स आए हैं, जिसमें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 722 करोड़ रुपए का आया है, जो कि एक साल पहले 304 करोड़ का रहा करता था। रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 31,346 करोड़ का, जो कि एक साल पहले 24,876 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा था। तो अडानी इंटरप्राइजेस के भी नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर इनके जो वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। लेकिन यहाँ पर अडानी के जो शेयर्स हैं यहाँ पर इनके वैल्यूशन ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो आप लोग को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर को बाय करिए, लेकिन हाँ, अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव हैं, तो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है IDFC लिमिटेड, इनके जो Q4 के नंबर हैं इनमें इन्होंने नेट लॉस दिखाया है 98 करोड़ रुपीज़ का, जो कि एक साल पहले इनका 261 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं, तो IDFC लिमिटेड को तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बाय कर चलो। इससे अच्छा IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए थे। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है कंपनी, जो इनके मैनेजमेंट हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में, तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोग अपने वॉचलिस्ट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मनापुरम की। तो मनापुरम में कल आपने देखा होगा कि इनके स्टॉक में 20 गिरावट दिखाई दी थी। रीज़न क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था इनके ऊपर, करीब इन्होंने 150 करोड़ का जो डिपॉजिट था वो इन्होंने RBI के अप्रूवल के बिना ट्रांजेक्शन्स किए थे, जिसकी वजह से इनके भीषण गिरावट दिखाई दी थी। तो ED ने इनके ऊपर सर्च भी करा था, रेड भी डाली थी, लेकिन कुछ भी फाउंड नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज इनके शेयर में हमको फिर से रिबाउंड दिखाई दिया है। तो इस स्टॉक में क्या करना है, आगे हम इसको भी कवर भी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक आता है यहाँ पर इंडिया मार्ट में देखा होगा आपने कि 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने इसकी रिकॉर्ड डेट को रिवाइज़ किया है, जो 1:1 का बोनस शेयर था उसको इन्होंने यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट है उसको रिवाइज किया है, और वो डेट आई है आपके इक्कीस जून 2023। तो 21 जून तक जिनके पास ये शेयर होंगे उनको बोनस का यहाँ पर प्रॉफिट भी होने वाला है। तो ज़रूर यहाँ पर अगर हम इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात करें, एक बहुत अच्छी कंपनी है B2B बिजनेस के अंदर, ये इंडिया के अंदर 60% मार्केट शेयर के साथ काम कर रही है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक्सेलेंट कंपनी है, ज़रूर पोर्टफोलियो के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर चल सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार हैं, इनके रिजल्ट्स भी हमको दिखाई दिए थे, जिसमें इनका जो है प्रॉफिट अगर आप नेट इनकम देखें तो 290 करोड़ रुपीज़ की दिखाई दी थी, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 30% की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर 5700 रुपये का इसका एक मजबूत स्टॉप रेजिस्टेंस सपोर्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो एक कैंडल जनरेट करी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर इस स्टॉक ने बनाई है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर तो 5747 रुपये का एक इसका जो लेवल है इसको आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको इस यही स्टॉप लॉस लेकर चलना है 5740 रुपये का। और जो टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वो 6600
तक्के भी दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। ट्रेडिंग के लिए भी चाहो तो आप यहाँ पर स्टॉक को होल्ड कर चल सकते हो। अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आप देखें तो लगातार 3 बिग कैंडल, हम वन डे कैंडल चार्ट पर इसको देख रहे हैं तो बनती नज़र आई हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि इसके अंदर फर्दर तेज़ी भी बनी रह सकती है। तो ज़रूर आप लोग इस कंपनी को भी अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर चलिएगा और एक बार अपनी खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिएगा। तो आज के दिन की बात करें तो स्टॉक के जो वॉल्यूम है उसमें भी हमको 100% की ग्रोथ दिखाई दी। यहाँ पर क्लोजिंग दी है 6040 रुपीज़ के प्राइस पर। तो ज़रूर अच्छा स्टॉक हो सकता है, अच्छा विकल्प हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप यहाँ पर जो भी मैंने स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर आप स्टॉक को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मणप्पुरम। मणप्पुरम में देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको कि कुछ भी यहाँ पर ईडी को नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज इनमें हमको करीब करीब 5% की तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक ने आज 121 का हाई लगाया। मैं तो कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक बहुत ही गोल्डन स्टॉक है ये, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका। तो ज़रूर इनके जो वैल्यूशन है वो भी काफ़ी फेयर हैं, रिजल्ट्स भी कंपनी ने अच्छे दिखाए थे पिछले जो भी रिजल्ट्स आए थे, लेकिन अभी यहाँ पर स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो ज़रूर आप लोग चाहो तो इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। आने वाले अपकमिंग मंथ में आपको इस स्टॉक के अंदर 140 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर आप देखें तो 110 का रहने वाला है। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर इस स्टॉक में हमको दिखाई दिया। इतनी नेगेटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी यहाँ पर स्टॉक ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पर आज एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल देखी, डोजी बनी है। इनके वॉल्यूम अगर देखें आप तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम भी बनते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टारगेट जो है पहले रहने वाला है 126 रुपये का। 126 के लेवल को स्टॉक होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा तो 145 तक के टारगेट जो मैंने बताए वो आपको बनते हुए नज़र आएंगे इस स्टॉक के अंदर। अब हम बात करते हैं डीकाल। डीकाल में देखिए जो कि ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है। डीकाल की बात करें तो आज 130 रुपये का हाई लगता हुआ हमको दिखाई दिया स्टॉक के अंदर, लो था 125 का। अब इस स्टॉक में करना क्या है आपको, सबसे पहले इस स्टॉक में अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो आपको 124 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, फर्स्ट टारगेट आपका 135 का है और जो सेकेंड टारगेट इस स्टॉक के अंदर मिलने वाला है 145 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कैंडल अगर आप देखें तो इसके अंदर भी हमको एक डोजी कैंडल बनती हुई नज़र आई है। डोजी कैंडल में जब सेलर हावी होता है बायर्स के ऊपर, माफ़ करिएगा, बायर्स हावी होता है सेलर्स के ऊपर, तो इस तरह की कैंडल्स बनती हुई नज़र आती हैं। तो बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को आप लोग अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर चल सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये स्टॉक है वो 124 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडर्स हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं तो आप चाहो तो हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे वीडियो हफ्ते में सिर्फ एक बार आ रहे थे, जिसके पीछे कुछ हमारे हेल्थ इशूज़ थे तो डेली बेसिस पर हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। अब लेकिन थोड़ा सा हेल्थ में सुधार हुआ है, अभी भी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप लोगों को उन स्टॉक्स के बारे में एक स्टॉक डेली बताया जाए जिसकी वजह से, जिसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बिगनर्स हैं, तो आप ट्रेडिंग के ज़रिए भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। कोई भी निवेश अगर आप कर रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।